हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 37 कवर करने वाले हैं। ये वर्कशीट 2 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और क्लास 8 की स्टूडेंट्स के लिए है और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे कोई भी वीडियोस अपलोड होती है जब भी तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम पढ़ेंगे लेसन दिस इज जोडीज फोन कंटिन्यूली, यानी हमने जो पिछले वर्कशीट में पढ़ा था आज हम उसके आगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पूछा गया, इफ यू फाइंड एन एनिमल विच इज स्केयर्ड एंड हंग्री व्हाट वुड यू वांट टू डू। आपको अगर कोई ऐसा एनिमल मिलता है जो कि डरा हुआ हो और भूखा हो तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आई वुड फीड हिम एंड ट्राई टू हेल्प हिम। तो आप उसको पहले तो आप कुछ खिलाएंगे क्योंकि वो हंग्री है और वो डरा हुआ है, इसलिए उसकी आप मदद करेंगे। तो मदद आप कैसे भी कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हैं कि वो डरा हुआ क्यों है, और या तो अगर आप कोई छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, कोई पपी है तो आप अगर चाहें तो आप उसे घर में भी ले जाएंगे। कुछ लोग घर में नहीं ले जाएंगे, सिर्फ वहीं पे उसकी मदद करेंगे। तो आपके जैसे आंसर है आप वैसे यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैसेज। I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. I suppose so. तो यहाँ पे जोडी के जो पापा हैं वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उस डो को, यानी उस हिरन को, उसकी वजह से ही मेरी जान बची है। तो यहाँ पे जोडी कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तो उस डो के बच्चे की यानी फोन की चिंता हो रही है। वो अकेला है और वो डरा हुआ भी होगा और भूखा भी होगा, हो सकता है। आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। अब यहाँ पे क्या है, जोडी के पापा को लगता है कि अगर हम छोटे बच्चे को यानी उस फोन को अगर ले आएंगे तो उसे दूध वूध हमें पिलाना पड़ेगा क्योंकि वो छोटा है। तो यहाँ पे जोडी कहता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया, मुझे दूध की जरूरत नहीं है, तो वो दूध हम फोन को पिला देंगे। तो क्या मैं जा सकता हूँ उसको ढूंढने के लिए वापस, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ पे ले आओ, ये जोडी के पापा कहते हैं। एंड रेज इट, पेनी लेक क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। अब यहाँ पे पेनी जो है यानी जोडी के जो पापा हैं वो चुपचाप लेटे रहते हैं, वो सीलिंग यानी ऊपर छत की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही दुविधा में है। वो बोलते हैं पेनी को कि तुमने तो मुझे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हें चाहते हुए भी मना नहीं कर सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो यहाँ पे जोडी जो है वो अपने पापा की दुविधा को सुलझाते हुए कहता है कि उसे पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने की जरूरत है, कुछ दिनों बाद ही वो जल्दी लीव्स खाने लगेगा और नट्स खाने लगेगा, तो हमें उसे दूध वूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम अपने उम्र के लड़कों से ज्यादा स्मार्ट हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नाउ कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आगे कुछ सेंटेंसेस ये जो दिए गए हैं आपको 10, ये आपको पैसेज में से ही पूछे गए हैं और ब्लैंक स्पेसेस के लिए आंसर के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको फिल करना है। पहला है, द नेम ऑफ जोडीज फादर इज पेनी। सेकेंड, द फॉन माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केर्ड। थर्ड, द पुअर डो सेव्ड पेनी, पेनी जो है वो जोडी के पापा है, उसकी जान डो ने बचाई थी। फोर्थ, Jody wanted to go out and find the fawn. Fifth, the fawn will soon start eating leaves and acorns. Sixth is, Penny lay quiet staring at the ceiling. Seventh, Jody wanted to bring the fawn home because without its mother, the fawn was likely to starve in the forest. Eighth, hemmed in means caught in situation where no one can say, one can't say no. Ninth, acorns means small brown nuts. Tenth है, Penny felt hemmed in when Jody proposed to bring the fawn home. तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।